बाबा। हाँ जी। पिता की एक तरह आँख से भी ऊपर शिकायत हो चुकी है, तो व्याख्या कैसे करना है? व्याख्या कैसे करना है? जैसे 108 ने व्याख्या की है, ऐसे तुम भी एक व्याख्या कर डालो। एक सौ आठ ने टीकाएं की हैं तो कुछ मनन चिंतन मंथन किया होगा या नहीं किया होगा? है, किया होगा। ऐसे आप भी मनन चिंतन मंथन करो और टीकाएं हो जाएंगी। सबका मंथन एक जैसा चलता है या अलग अलग चलता है? तो अलग अलग टीकाएं हो जाएंगी। 108 क्या 4.5 लाख बाबा के बच्चे हैं आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले, तो कितनी टीकाएं हो जाएंगी? 4.5 लाख टीकाएं हो जाएंगी। फिर मंथन ही नहीं करते, मनन चिंतन ही नहीं करते, क्योंकि सुना हुआ है कि आज में भी बाबा ने संस्कृत की गीता का व्याख्या करके सुनाया था, तो आज में सुनाया था तो अंत में भी है, अंत में भी सुना देंगे, तो हमें मंथन करने की क्या दरकार? और बाबा सबके जो कैसे होगा, सबके जो कैसे होगा, मतलब हम कैसे एक जगह में दूसरा जगह, क्या बोलने से सत्य होगा, क्या करने से सत्य होगा? हम एक जगह से दूसरा जगह कैसे जाएंगे? जैसे पिचू रोड में जा रहे हैं, बॉम्बे में जा रहे हैं, तो उस टाइम में एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे, वार्तालाप कैसे करेंगे, तो कैसे होगा? कम्युनिकेशन के साधन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? आगे चल के बढ़ते जावेंगे या घटते जावेंगे? पहले तार के द्वारा कम्युनिकेशन होता था, तार काट देते थे तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता था। अभी तो बेतार के तार निकला है, वायरलेस निकला है, तार आदि काटने की बात ही नहीं। यहाँ का कुछ साधन तो वो युग में नहीं जाएगा। अरे सत्युग में ले जाने की क्या दरकार है? वहाँ तो बेहद का वायर होगा, मनसा का तंत्र होगा, दिल को दिल से राहत होगी। भाई ने स्थूल साधनों की क्या दरकार है? है शंकर महाराज तीन आत्मा का संकीर्ण पाठ हेतु, शंकर महाराज तीन आत्मा का संकीर्ण पाठ हेतु ज्ञान चंद्र ब्रह्मा गिरिराज दादी में जाते हैं, अव्यक्त वाणी चलाते हैं, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा गुलजार दादी में जाते हैं, जाते हैं अव्यक्त वाणी चलाने, तो शंकर में तो आत्मा रहता है। तो गुलजार दादी में जब जाते हैं और शंकर में जो पाठ चंद्रमा का चलता है उसमें अंतर नहीं मालूम है? पूरा शंकर चाहिए। अंतर ये है, अंतर समझ लें पहले। गुलजार दादी में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर से जाते हैं, गुलजार दादी के संग का रंग लगता है, और शंकर में आते हैं तो राम वाली आत्मा जो बीज रूप स्टेज वाली है उनके संग का रंग लग जाता है। कृष्ण चंद्रमा की आत्मा भी क्या बन जाती है? बिंदु बन जाती है, निराकारी स्टेज धारण कर लेती है। तो ये दोनों में खास अंतर है। तो उस टाइम में गुलजार दादी में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से पाठ चलता है, वो शंकर नहीं कहा जाएगा, वो तो प्रत्यक्ष अलग हो जाता है।
उस स्थान को भक्ति में कैसे दिखाया है? है? भक्ति में कैसे दिखाया है? भूत प्रेत नहीं प्रवेश करते हैं भक्ति मार्ग में। अरे भक्ति मार्ग में भूत प्रेत प्रवेश करते हैं कि नहीं? ऐसे ही है। और चीटी को टी काटे क्या बोला? बेसिक 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 बन सकते हैं। बेचकर क्या होता है? अरे एक शिव बाबा मिल गया तो फिर फेकर की क्या दरकार है? अरे शिव बाबा भगवान मिल गया फिर भी फेकर करने की दरकार है क्या? आत्मी की स्थिति में ठहरने के लिए कौन पुरुषार्थ करना पड़ेगा? कैसे कर सकती है ठहरने के लिए? जिसको याद किया जाता है तो उसका रूप याद आता है या नहीं याद आता है? आता है। तो ऐसे ही शिव बाबा को याद करें तो शिव बाबा का रूप याद आना चाहिए और प्रैक्टिकल में याद आना चाहिए या सिर्फ हवा में समझने की बात है? तो प्रैक्टिकल में तो वो आके तभी ज्ञान सुनाएगा जब कोई शरीर में प्रवेश करे। तो जब ये पता चल जाए कि इसे शरीर में आया हुआ है, वो पर्सनालिटी अमुक है, उस पर्सनालिटी में ज्योतिबिंदु शिव है जिसका नाम शिव है, उसने प्रवेश करके ज्ञान सुनाना आरंभ किया है, श्रीमत देना शुरू किया है, तो हम क्यों नहीं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत लेंगे? हम भ्रष्ट लोगों की मत क्यों लें? याद पक्की ठहरेगी। जो फ्यू के द्वारा बाहर चलाई गई है उसको मुरली क्यों नहीं चलेंगे? उसकी मुरली उसको मुरली क्यों नहीं चलेंगे? वो मुरली क्यों नहीं चल रही? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ये किसने कहा मुरली नहीं कहेंगे? क्यों की वाणी को मुरली क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए किसने कहा कि नहीं कहेंगे? कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अरे मिलेगी तभी तो। वो तो लोहे के कटघरे में बंद करके जमीन के अंदर पता नहीं कहाँ गाड़ दी गई। रास क्रीड़ा क्या होता है? रास क्रीड़ा जो करते हैं रास क्रीड़ा है वो क्या होता है? संस्कार मिलाने की प्रक्रिया है, उसको रहस्य क्रीड़ा, रहस्य का नाम बिगड़ करके रास क्रीड़ा पड़ गई। डांडिया रास भी गाया हुआ है गुजरात का, डंडे बरसाते जाते हैं, बरसाने की गोपियां डंडों से बात करती हैं, तो ज्ञान के डंडे बजते जाते हैं, रास मिलती जाती है, डंडों की आवाज एक साथ होती है कि कड़र वड़र होती है? है एक साथ आवाज होती है। ये भक्ति मार्ग में इंसान जो कर्म करता है उसका लेखा जोखा कितने रूप रखते हैं और धर्म रचते हैं तो फिर आत्मा का कोई रूप भी नहीं? धर्मराज रचते हैं क्या? वहाँ धर्मराज होता है वास्तव में भक्ति मार्ग में। धर्मराज भी रखे पड़ेंगे वो यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ तो सजाएं खाएंगे, वहाँ कोई पद कम होता है क्या? वहाँ भी गरुड़ पुराण में तो कहते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं तो गरुड़ पुराण किसने लिखा? तो मनुष्यों की बातें माननी है क्या?
है बाबा, बौद्ध धर्म की आत्माएं अपने धर्म की पक्की होती हैं? सभी दूसरे धर्म वाली आत्माएं अपने धर्म की पक्की होती हैं। तो बौद्ध के लिए तो बाबा ने बोला है वो तो अपने जो बाल बच्चे होते हैं वो दूसरे में सौंप देते हैं, है? वो दूसरे को सौंप देते हैं जो अपना बाल बच्चे होते हैं। तो तुम्हारा उनमें सामना करने की शक्ति, उनका यही धर्म है अहिंसा परमो धर्म। तो हीन बन जाते हैं ना दूसरे के? अरे यही उनका धर्म है, तो ये तो कन्वर्ट होना हो गया। तो कौन कहता है कन्वर्ट नहीं होते? बौद्धि तो सबसे जास्ती कन्वर्ट होने में परफेक्ट है। तो बाबा ने बोला है जो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना उनका जन्म कम होता है ना? है? जो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना उनका जन्म कम होता है सनातन धर्म से। हाँ। तो बौद्धियों का जन्म कम होता है? नहीं कम नहीं होता तुम्हारे मुकाबले। उनके जन्म, बौद्धियों के जन्म सनातन धर्मियों के मुकाबले कम जन्म होते हैं या ज्यादा जन्म होते हैं? कम जन्म होते हैं लेकिन कम जन्म होते हैं। पक्के रहे तब ना, अपने धर्म के जो पक्के रहे तब ना। और तो नंबर वार पक्के होते हैं, नंबर वार कच्चे होते हैं। और धर्म जो होते हैं वो एक जैसे थोड़े ही, हर धर्म में अंत में आने वाली आत्माएं नहीं होती है क्या? अरे हर धर्म में अंत में भी तो आने वाली आत्माएं होती हैं। तो जो आत्माएं अंत में आवेंगी वो कम जन्म लेंगी या ज्यादा लेंगी? कम जन्म लेंगी। क्या धर्म में ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपने धर्म के पति होकर के रहती हैं? सभी अपने धर्म को, उनका धर्म ही ये है कि कोई तलवार उठाए अपने बीवी बाल बच्चों को आराम से सौंप दो। उसको पक्का नहीं कहेंगे बाबा? अरे यही तो उनका धर्म है, यही तो, इसी में तो वो पक्के हैं। तुम्हारा धर्म अलग, हमारा धर्म अलग। धर्म की जो पालना है वो सबकी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग है। हर एक का अपना अपना अलग अलग धर्म है। और ये वैसे तो ये बाबा ने बाबा के बारे में अनेक प्रकार के बताए, लेकिन वो जो बाबर ने खंडन करवाया वो तो करवाया, लेकिन जो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया है ना, और जो राणा सांगा उससे युद्ध करता है, उसकी शूटिंग यहाँ कैसे होती है? अरे यहाँ बात है, लड़ाई नहीं लड़ते किसी से, यहाँ संकल्पों से किसी से लड़ाई नहीं चलते। हाँ जी, वो हो गया कि बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो है। भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ भारत माता के ऊपर आक्रमण करने वाले नहीं है, है? घर घर में बैठे हुए नहीं है जो भारत माताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं? भारत पिता तो है बाबा। पिता का गायन है या माता का गायन है? लोग बोलते हैं जैसे ये ताजमहल है ना, ये ताजमहल से ऊपर से पानी टपकता है ना, तो इसका क्या रहस्य है? और तो किसी को नहीं पता चल रहा है। तुमने देखा? तो सुनी सुनाई बातों में क्यों विश्वास करते हैं? और ये जैसे बाबा बताते हैं कि भगवान को सर्जा भी बताने वाला पहले व्यास होता है ना, द्रौपदी से भगवान को सर्जा भी बताने वाला व्यास होता है, तो उसकी सूची कैसे होती है? व्यास हुए कब? द्वापर से। द्वापर के आदि में या अंत में? आदि में हर एक युग सात्विक होता है या राजसी और तामसी होता है? है? सात्विक होता है। तो आदि में जो चीज सात्विक है वो सच्ची बात बताएगा या झूठी बात बताएगा? है? उस समय तो शास्त्र सच्चे थे, इसलिए वेदों में एक ऋचा आई है कि हे भगवान, पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले गीता में भी कृष्ण का नाम नहीं था, निराकारवाद रचना थी,
बाद में कोई ने साकार कृष्ण की उपासना में प्रीति रख करके कृष्ण का नाम ऐड कर दिया। हाँ जी, लेकिन सब बताते हैं तो पहले व्यास को ही बताते हैं। व्यास एक हुआ है या व्यास नाम के जो भी गद्दी पर बैठे वो व्यास कहे गए? तो जो अव्वल नंबर का व्यास है उसमें नहीं बताया। अव्वल नंबर सात्विक होगा या तामसी होगा? हर बार इसे वो इस्लाम धर्म में गाय ने की अल्लाह अव्वल दिन है ना, अल्लाह जब आता है तो वो अव्वल धर्म की स्थापना करता है ना, तो ये बात इस्लामियों को कैसे समझाया जाए? वो तो अपने धर्म को अव्वल नंबर बताएंगे, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपका अव्वल नंबर धर्म है, तो इब्राहिम जब आया उससे पहले कोई इस दुनिया में था या नहीं था? अरे, इब्राहिम से पहले कोई दुनिया में था या नहीं था? यह दुनिया नापैद थी, लेकिन उसका हिस्ट्री तो नहीं है। हिस्ट्री नहीं है, वो बात दूसरी है। हिस्ट्री दुख की दुनिया की होती है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री बनाई जाती है? जब आदमी दुखी होता है तो एक एक दिन गिनता है, एक एक दिन गिनता है तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है। तो दुख की दुनिया की हिस्ट्री है। सभी धर्म वालों के पास जो भी तवारीखें हैं, चाहे ख्रिस्त संबत हो, चाहे ईसाई संबत हो, चाहे विक्रम संबत हो, चाहे पारसी संबत हो, चाहे यहूदी संबत हो, कितने हजार वर्षों के अंदर का है? 2500 वर्षों के अंदर का है। 2500 वर्ष पहले ये दुनिया में लोग रहते थे या नहीं रहते थे? अरे, तो धर्म तो था ना पहले? धर्म पहले भी था, 2500 वर्ष के बाद अनेक प्रकार के धर्म आ गए। तो इससे साबित होता है जब एक धर्म था, एक राज्य था, एक कुल था, एक भाषा थी, एक देश था, तो एकता में सुख होगा या दुख होगा? उस समय दुखी नहीं थे कोई, वो ही सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान का स्थापन किया हुआ धर्म था। भगवान कोई देहधारी नहीं है, देह के प्रति आकर्षण वाला नहीं है, विनाशी देह को याद करने वाला नहीं है, इसलिए उसके द्वारा जो धर्म स्थापन किया जाता है वो भी अविनाशी है, लंबे समय तक सुख देने वाला है। 2500 वर्ष तक दुनिया सुख में रहती है। तो अव्वल नंबर धर्म वो है जो अव्वल नंबर धर्म पिता आकर के स्थापन करता है। तुम तो दो नंबर के धर्म पिता वाले बच्चे हो, टके सी बात सुनाओ। लेकिन इसका प्रूफ उन लोगों को कैसे देखिए? अरे, हो तो गया प्रूफ, ये प्रूफ नहीं हो गया कि जितने भी दुनिया में धर्म आए हैं, देहधारी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, सन्यासी हो, सिख हो, वो सब द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी हैं? दो दो राज्य होते हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, तो दुख पैदा करते हैं। बाबा, अरे, यही तो प्रूफ हो गया है। 2500 वर्ष पहले दुनिया में दुख था ही नहीं, जो हिस्ट्री बनाई जाए। हिस्ट्री कब की बनती है? दुख की बनती है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री बनती है? एक एक दिन आदमी कब गिनता है? जब दुख पड़ता है तो दिन गिनता है।
तो सभी धर्म वालों की अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपना अपना संबत है। वो कितने वर्ष का है? 2500 वर्ष के अंदर है। इसे साबित हो गया कि जितने भी देहधारी धर्म गुरु आए हैं, धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने दुख की दुनिया बनाई है, दुखदाई धर्म स्थापन किए हैं। उससे पहले भगवान ने आकर के सुख की दुनिया बनाई थी, सुख स्थापन करने वाला धर्म बनाया था, जिसे देवी देवता सनातन धर्म कहा जाता है। देवताओं की हिस्ट्री ही ऐसी है, वो दुख नहीं देते, सुख ही सुख देते हैं। और बाबा वो बाबा कहते हैं कि जो कोई मनुष्य को कहे मन चलाए मन होता है, इसलिए नहीं होते, लेकिन बीके में जानकी दादी को वो वैज्ञानिक ने रिसर्च करके बताया है कि उसका कोई भी समय में उसको जाकर के उसको चेक किया है तो उसका बुद्धि स्थिर ऐसा बोलते हैं। ये क्या है बाबा? उनका मन अमन है, उनका मन अमन है कि भगवान का ही मन अमन होता है? भगवान सदैव अमन चैन में रहने वाला है कि मनुष्य सदाकालीन अमन चैन में रहने वाला है? है? कौन रहता है अमन चैन में सदाकाल? मनुष्य रहता है या भगवान रहता है? भगवान रहता है। और उन्होंने जो कुछ दिखा दिया, कागज में लिख दिया, पत्रिका में लिख दिया, वो सच्चा है, इस बात का क्या प्रूफ? बोला, है बोला, कोई ना कुछ भी बोला और सच्चा हो गया। हाँ बाबा, शिव बाबा को प्रतिष्ठित हो गया तो 10 घर में रहेगा कि नहीं जाएगा उसके बाद? अरे धर्म की बात छोड़ो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे कुछ भी नहीं रहेंगे, सब टूटने लग पड़ेंगे। उसके बाद मुरली क्लास संगठन चलेगा कि नहीं चलेगा? उसके बाद मुरली क्लास संगठन क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा? बाबा की पढ़ाई बढ़ेगी या घटेगी? पढ़ाई बढ़ेगी तो स्कूल भी बढ़ेंगे। वो तो मुरली में बोल दिया है, आगे चल के करोड़ों की तादाद में मुरली छपने लग पड़ेगी। हो सकता है ये न्यूज़पेपर ही तुम्हारी मुरली हो जाए। अभी दुनिया में कितने अखबार छप रहे होंगे, है? लाखों करोड़ों की तादाद में अखबार और पत्र पत्रिकाएं छप रही है। जब सच्चाई प्रत्यक्ष होगी, सच्चा बाप प्रत्यक्ष होगा, तो दुनिया में बड़े आदमियों की भाषण छापते हैं या छोटे छोटों के छापते हैं? बड़ों बड़ों के छापते रहते हैं। आखिरीन तो ये साबित होगा ना, सारी दुनिया में सभी झूठे हैं, सारी दुनिया झूठों की है, एक ही सच्चा है। और बाबा, बाबा, हाँ, कोई बच्चे बेसिक में समृद्ध होकर के रहते हैं वहाँ पे, है? कोई बच्चे वहाँ पे कहाँ पे ब्रह्मा कुमारी बनकर के वहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रहते हैं, रहते हैं, तो उसने सब कुछ धन संपत्ति आपको वही सौंप दिए, तो फिर वो बाप को सब जानते, एडमास ने बाप का साकर पाठ चलाए वो जानते, लेकिन वो कहे थे कि मैं वहाँ से निकल नहीं सकता, मेरा वहाँ बहुत भारी जिम्मेवारी है, ऐसा बोलते। फिर बाबा को गुप्त में पुरुषार्थ कर रहा हूँ और बाप को भी याद करता हूँ, ऐसा बोलते। उसका रुद्रमाला में आ जाएगा, राजा बनेगा या नहीं बनेगा और क्या? तो आप मेहनत करके उनको निकाल दो वहाँ से, तो उनकी धन संपत्ति सारी उनको मिल जाए। आप तो मेहनत ही नहीं करते, बेचारे फंस गए तो फंसा रहने दो। हाँ, वो जो बाप बोलते हैं तो नेहरू का मिसाल क्यों देते हैं कि नेहरू है?
बाबा जब बोलते हैं ना कभी कभी कोई बात नहीं तो वो नेहरू का मिसाल क्यों देते हैं कि नेहरू का जो बुद्ध था उसको पाकिस्तान वाले जला देते पाकिस्तानों ने जला दिया है नेहरू का जो बुद्ध था ना उसको पाकिस्तान वाले जला करके जलाते हैं बना करके तो तुम्हारे बाबा का नहीं जलाते हैं तो तुम्हारे बाबा का जला सकते हैं तो नेहरू जी का और गांधी जी का नहीं जला सकते लेकिन खास करके वो नेहरू का मिसाल क्यों देते हैं तुम्हारे खास करके तुम्हारे बाबा का जलाते हैं नेहरू का है बाबा का पार नेहरू का है वो नाम के अर्थ पर कह सकते हैं कि जितना लंबे समय तक नेहरू ने राज्य किया स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद उतना लंबे समय तक और कोई ने भी राज्य नहीं किया इसलिए उनका नाम भी था नेहरू स्नेह करने वाली रूह प्यार करने वाला प्रियतम नेहरू नाम पड़ा परंतु वो तो हद के थे या बेहद के थे ये तो हद के हो गए लौकिक दुनिया में ना जो आदमी को शरीर में जन्म लेना था ना ब्राह्मण बनने के लिए लौकिक दुनिया में रूप जन्म लगाएंगे तो ब्राह्मण नहीं बन सकते इसका अर्थ ये है कि जब तक आप तीन सूत्रों को धारण नहीं करेंगे ये तीन ज्ञान के सूत्र हैं ब्रह्मा के द्वारा क्या ज्ञान दिया गया विष्णु के द्वारा क्या प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है और शंकर के द्वारा क्या मनन चिंतन मंथन वाला ज्ञान दिया गया ये तीनों ज्ञान के सूत्रों को बुद्धि में धारण करो इन तीनों ही ज्ञान सूत्रों की जिम्मेवारी को कंधे पर धारण करो तो यज्ञ उपवीतधारी ब्राह्मण कहा जाता है अगर कोई जिम्मेवारी ली ही नहीं तो वो ब्राह्मण बना ही नहीं ये तीन सूत्र हैं कहते हैं तीन सूत्र ऊपर में जाकर के जहां बांधे जाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म फांस परम ब्रह्म में तीनों फंस गए तीनों ही सूत्र कहते हैं ना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तो परम ब्रह्म में जाकर के तीनों सूत्र मिलकर एक हो गए वो ब्रह्म फांस की गांठ लग गई जब कोई गंदा काम करने के लिए जाते हैं ब्राह्मण टट्टी पेशाब वगैरह जाते हैं तो कान में कान में जनेऊ लपेट लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी उल्टा पलटा कोई पाप कर्म करें श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम करें तो ज्ञान के वो तीनों सूत्र कान में धारण करें कान में धारण करेंगे तो स्मृति में आ जाएंगे कि हमने कान से ये बात सुनी थी श्रीमत की धारणा होगी तो फिर पाप कर्म नहीं होने देंगे और बाबा ब्राह्मण या आत्मा कोई भी धर्म में जाती है तो वो अपना धर्म का पक्का करके रहती है ब्राह्मण या आत्मा कोई भी धर्म में जाती है तो वो अपने धर्म का पक्का करके रहती है सनातन धर्म को छोड़ करके और कोई भी धर्म में जाती है ना है सनातन धर्म को छोड़ के कहाँ जाती है नहीं नहीं जन्म तो लेती है ना कुछ? जन्म लेती है जन्म लेने को कोई कन्वर्ट होना कहा जाता है जन्म लेती है तो उस धर्म का पक्के करके रहती है और क्या कच्चा होके रहती है पितृदोष बोलते हैं पितृदोष और पितृश्राप ये क्या है बाबा और इसका ब्याज में क्या माँ बाप जिस रास्ते पर चल गए हैं उस रास्ते पर न चल करके उल्टे रास्ते को अपना लेना उससे पितरों का अपमान होता है
तो वह बौद्ध तो करके नहीं गए थे फिर बौद्ध के हाथ धो के पीछे पड़ गया और है गंगा अगर पतित पावन ही नहीं है अच्छा तो शंकर जी के सिर में क्यों है शंकर जी के सिर में क्यों धारण किया अच्छा गंगा के अलावा और कोई भाई ने और कोई पुरुष ने ज्ञान देने का काम संपन्न किया वो ज्ञान देने का कार्य जो गंगा ने संपन्न किया है वो कोई किसी और पुरुष ने या माता ने संपन्न किया क्या नहीं किया क्यों नहीं किया कोई कारण होगा हाँ पुरुष तो पूरे ही निकाल दिए गए टोटल निकाल लिए सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है वो ईश्वर का ज्ञान सुनाने के लायक बन ही नहीं सकते रही माताएं वो आधी कुमारी पहले ही बन चुकी अर्धकुमारी हो गई उनका उतना असर नहीं पड़ता चमड़ी मोटी हो गई तो मोटी चमड़ी होने के कारण ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं इसलिए कन्या को ताज के रूप में धारण किया हुआ है जैसे अष्टदेवों को धारण किया हुआ है उन अष्टदेवों के साथ ही साथ बीच में गंगा को धारण किया हुआ है मुरली में भी बोला जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं उनको सर पर चढ़ाया जाता है बाप प्यार में आकर के उनको सर पर चढ़ा लेते हैं बाबा ज्ञान बात में गंगा आ गए या लक्ष्मी आ गए अरे कोई भी आ जाए धर्मपाल आ गए हाँ कौन से हाथ में आए है मैं ज्ञान बात है गंगा आ गए या लक्ष्मी आ गए सवाल ये है हिम्मत पहले किसने की सुनाने की बड़े बड़े धर्म गुरुओं के बीच में बड़े बड़े भीष्म पितामहों को जो सच्चाई है वो सुनाने की हिम्मत किसने की और वो हिम्मत करने में सफल कौन हुआ लक्ष्मी सफल हुई पहले या गंगा सफल हुई पहले कौन सफल होता है फिर मुरली में भी बोला है बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों का नाम बाला हो जाएगा बाद में लक्ष्मी निकली तो क्या बड़ी बात हो गई हाँ लक्ष्मी पवित्र कन्या है गंगा तो फिर भी शादीशुदा है उतनी पावन नहीं है वो तो सन्यासी है या नहीं है तो फिर हवा और पार्वती वास्तव में किसको कहेंगे क्योंकि बाबा ने पार्वती कभी बड़ी मम्मी को बताया और कभी छोटी मम्मी को हवा दूसरे धर्म में माने जाते हैं या भारत में माने जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को डर पाते हैं तो कहते हवा आ जाएगा कि जो ब्राह्मणों की दुनिया में पुरुषार्थ न करने वाले हवा से डरेंगे या जो पक्के पुरुषार्थी हैं वो हवा से डरेंगे जो पुरुषार्थ न करने वाले हैं वो महाकाली से डरेंगे जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उन्हें हवा से डरने की दरकार ही नहीं तो हवा वास्तव में किसका पार्ट हुआ बड़ी माँ का पार्ट है जगदम्बा का पार्ट है भारत माता से डरने की क्या दरकार है वो तो पवित्रता की देवी है दादा
लौकिक दुनिया में जो आदमी गुम हो जाते हैं ना, उसका आत्मा क्या बनता है? लौकिक आत्मा गुम हो जाती है? शरीर गुम हो जाते हैं ना लौकिक दुनिया में, जो आदमी हराते हैं ना, आदमी हराता है उसका पता नहीं पड़ता है ना, जिससे कैसा हो गया उसका आत्मा क्या बनता है? अब क्या पता उनकी आत्मा, उनको मार दिया गया या कहीं छुपा दिया गया या जेल में डाल दिया गया, कैसे पता चले? सबके अलग अलग हिसाब है, एक जैसे हिसाब थोड़े हो सकते। बोला है छत्तीस दिशा क्या है अमृत वेले, क्या करना है? छत्तीस विचार सागर का मंथन करना। छत्तीस विचार सागर का मंथन करना, ये क्या उसकी किसी ने सुना? छत्तीस विचार सागर मंथन करना है, तिरसठ विचार सागर मंथन करना, ऐसा तो कोई वाक्य बोला नहीं। बाबा, सृष्टि का चक्कर घुमाने का कारण क्या है? है क्या कारण है? सृष्टि का चक्कर घुमाएंगे तो बुद्धि में अपने 84 जन्मों की कहानी घूम जाएगी, स्मृति में आ जाएगी, और नहीं घुमाएंगे तो अपने 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में नहीं आएगी। देर में घुमाएंगे तो देर में आ जाएगी, और जल्दी जल्दी पहले ही घुमाएंगे तो 84 के चक्कर की कहानी जल्दी बुद्धि में आ जाएगी। किसको नींद आती है? हाँ तो बता दिया ना बाबा ने, और ड्रापर में, ड्रापर की शीशी होती है ना आँख में डालने वाली, उसमें सरसों का तेल शुद्ध डाल के रखो, क्लास के टाइम पर नींद नहीं आनी चाहिए। जब नींद आती है तो आधा बूंद उंगली में लगाओ और आँख में लगा दो, एक में, आधा पौना घंटा तक नींद नहीं आएगी, पर आती रहेगी। आधा पौना घंटा के बाद फिर ठंडक जब पड़ जाए तो दूसरी आँख में लगा दो आधा बूंद, फिर आधा पौना घंटा पर आती रहेगी। पौना पौना डेढ़ घंटा पूरा हो जाएगा, फिर अगर पर आए फिर लगा दो तीसरी बार, बस दो घंटे का क्लास पूरा हो जाएगा। हाँ, सपने भी अच्छे नहीं देखते हैं, सपने भी अच्छे नहीं देखते। अब अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे स्वप्न और अच्छे संस्कार चलेंगे, अच्छे संकल्प भी आएंगे, अच्छे स्वप्न भी आएंगे, और कर्म ही बहुत खराब किए हैं त्रेसठ जन्मों में, या जब जब भी खराब कर्म किए हैं तो उनकी रील जब घूमती है तो खराब स्वप्न आवेंगे और खराब संकल्प आवेंगे। कितना भी हम उनको रोकना चाहें फिर भी नहीं रुकेंगे। अब ऐसे तो नहीं है कि बचपन से लेकर के और बड़े होने तक हमेशा खराब ही संकल्प आते हैं हरेक को, कभी अच्छे भी आते हैं और कभी खराब भी आते हैं, ये रील घूमती रहती है। रुको, एक आदमी शुरू कर दे तो बाबा क्या हो नहीं है। उसमें बिन लादेन के बारे में सौ बार से भी ज्यादा प्रश्न किया गया है, इसका क्या ऊषा और के बारे में जो प्रश्न है उसको स्वयं बात ज्यादा किया गया है तो क्या हुआ? तो ये
बार बार पूछेगा क्या? अरे जो मुख्य मुख्य पार्टधारी हैं, उन मुख्य पार्टधारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं करेगा? अरे जानकारी करेगा या नहीं करेगा? एक बार दो बार बताने तो हो जाता है। एक बार दो बार क्यों? जब हीरो हीरोइन का पार्ट है तो बार बार पूछेंगे ना। और बाबा वो बाप बोलते हैं जो यहाँ पर बाप को धोखा देते हैं वो द्वापर कलयुग में भी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होकर के धोखा देंगे तो द्वापर कलयुग में वो बड़ी मम्मी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या हुआ? हो जाती है जब। अरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बच्चों का साथ देती है या पति का साथ देती है? कलयुग में बच्चों का साथ देती है। और बाबा ये रामलिया तुम्हारे का स्त्री चोला की शूटिंग कैसे होती है? स्त्री चोला की शूटिंग कैसे होती है? अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आधे जन्म स्त्री के होते हैं, आधे जन्म पुरुष के होते हैं। हाँ कोई ने ज्यादा पौरुष वृत्ति धारण की है, पौरुष वृत्ति धारण करने का मतलब है ज्यादा शिव बाबा को याद किया है, तो शिव बाबा पुरुष है या स्त्री भी है? कभी शिव बाबा तो पुरुष ही पुरुष है तो उसके पुरुष जन्म ज्यादा हो जाएंगे। स्त्री चोला में और तो होता है ना, तो क्या हुआ? तो शूटिंग कैसे होती है? कैसे होती है? अरे कैसे का मतलब तुम क्या क्लियर करो, क्या पूछना चाहते? माना स्वभाव संस्कार में कुछ अंतर तो पड़ता है। बिल्कुल अंतर पड़ेगा। क्या अंतर पड़ता है? स्त्री चोले का अपना पार्ट अच्छा बखूबी बढ़िया निभाएगा तो किसके साथ वो अच्छा पार्ट निभाती है? जिन आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन रहेगा इस तरह का। बाबा भी तो सरेंडर होते हैं बच्चों के सामने, तुम बच्चे बाप पर सरेंडर होते हो तो बाप भी सरेंडर हो जाते हैं, तो कौन से बच्चों के सामने सरेंडर होंगे? श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वालों के सामने या श्रीमत पर न चलने वालों के सामने? उनके सामने सरेंडर हो जाते हैं। और ये धर्म पिताओं का जो ग्रैंड फादर होते हैं धर्म पिताओं के जो ग्रैंड फादर होते हैं वो क्या नष्टदेव होते हैं? नष्टदेव हमेशा थोड़े ही होते हैं, हमेशा नहीं होते तो वो कैसे होते हैं बाबा? नष्ट देव नहीं, नष्ट देव तो नाम दिया है, ऐसे नहीं कि वो नष्टो मोहा होते हैं। नष्ट माने विनाश करने वाले। हाँ विनाशकारी होते हैं, विनाश करने के संस्कार उनमें जाती हैं। जब बाप के सहयोगी बनेंगे तो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलाने लग पड़ेंगे। अभी बाप के विरोधी हैं तो मंदिर गिरा करके गिरजाघर बनाते हैं। ये नष्टदेव चार ही हैं क्या? चार नहीं है, नष्टदेव तो तीन ही है, चौथा तो नास्तिक है। और अष्ट देवों के अंदर ही पांडव भी हैं, जो सूर्यवंश का मुखिया है अष्ट देवों में वो युधिष्ठिर है, बौद्ध धर्म का जो मुखिया है वो अर्जुन है, और जो चंद्रवंश का मुखिया है वो भीम है, और जो सन्यास धर्म का मुखिया है वो नकुल है, और सिखों का जो मुखिया है वो सहदेव है। अष्ट देवों के अंदर ही पांचों पांडव मौजूद हैं। पीछे लोग में जल स्रोत जाता है तो है? यदि पीछे लोग में जल स्रोत जाता है तो यदि भगवान है तो कागज क्यों देखना पड़ता है? इसे हम सकते हैं
लेकिन मैं जब गेम सुनाने जाते हैं ना, तो उन लोग कहते हैं तुम्हारा बाबा भगवान है तो क्यों मुरली पढ़ना पड़ता है, ऐसा सब प्रश्न आता है। कौन सा मुरली? तुम्हारा ब्रह्मा बाबा पढ़ता है, हमारा बाबा नहीं पढ़ता। कृष्ण की आत्मा पढ़ती है, मुरली में बोला हुआ है, तुम बुद्धू हो। तुम जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? लिखना पढ़ना आता नहीं, इसलिए तुम जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ सुन पाते हो। बोलने वाला नहीं, पूरी बात पढ़ने वाला ही बुद्धू है क्या तुम? और बाबा को बाबा ने बोला नारायण को याद करना सबसे है ना, सबसे बड़ा पुरुषा, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जीवन का? तो नारायण बन गए तो और क्या चाहिए? जैसे को याद करोगे वैसे ही बनोगे। नारायण बनना सबसे अच्छा पुरुषा से तो क्या शिव बाबा को याद करना नहीं है? नारायण को याद करना सबसे अच्छा पुरुषा से तो क्या शिव बाबा को याद करना सबसे अच्छा पुरुषा नहीं है? जिसे बाबा कहते हो बार बार, वो साकार है या निराकार है? तो शिव कोई साकार होता है क्या? फिर तो कौन है साकार? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा कौन है जो सदा कायम है इस सृष्टि पर? बस जो लोग छोड़ते है ना, वो स्थूल रूप में मरते हैं देह से, और हमारे ज्ञान में काय से मरना होता है, है? देहभान से जो मरते हैं तो देहभान से मरने वाले कोई को दुख देते हैं क्या? जब फैसला कर लिया कि अब देहभान से हम मरे तो हम किसी को दुख देंगे या सुख देने की बातें करेंगे, मीठी बात करेंगे या कड़वी और नमकीन बात करेंगे? है मीठी बात करेंगे। बाबा मुरली में हर भाषा का शब्द क्यों आता है? क्योंकि बाप सबका बाप है, वो एक धर्म का बाप है या सब धर्मों का बाप है? सब धर्मों का बाप, थोड़ा थोड़ा सबको खुश कर देता है। सब भाषा का शब्द आता है तो सब भाषा का शब्द का अर्थ भी तो बताना चाहिए ना। बता तो रहे, ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ नहीं बताया बाबा ने? नहीं, हमने पिछले बार कुछ फारसी शब्द का अर्थ नहीं बताया। कौन सा फारसी शब्द? उर्दू वगैरह बोलो, बोलो फारसी बोलो। तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि ये फारसी है कि ये अरबी है? और जो हमने कुछ गलतियाँ किया है और कुछ चीज नुकसान हुआ है तो इसको कैसे छुटा करना है, इसका तरीका क्या है? किसी चीज को पश्चाताप सब प्रकार के नुकसान को भर देता है। और तो 15 दिन में उसी 15 दिन में पूरी बार 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण 16 कला के तिथि में जो ग्रहण बोलते हो तो बाबा ग्रहण के अर्थ क्या है? ग्रहण है तो कोई दिन चंद्रग्रहण है, कोई दिन पूर्णिमा सूर्य ग्रहण है, कोई दिन चंद्र ग्रहण है। जब चंद्रमा संपूर्ण बने और संपूर्ण चंद्रमा को ग्रहण लगे तब ही तो पूरा अंधेरा होगा। चंद्रमा पहले से ही अधूरा है तो ग्रहण तो जैसे कि पहले से ही लगा हुआ है। अभी के मूल्य में जो घनेरे शब्द आया, उस घनेरे शब्द का अर्थ क्या है? घनेरे का अर्थ है बहुत ज्यादा, घनेरे सुख माने बहुत सुख।
और ये फारसी नहीं है। और भाई वास्तुशास्त्र जो है सच्चाई है या ऐसा कुछ लिखा गया है? अगर ये सच्चाई है तो इसका मतलब बाबा का ज्ञान झूठा है या सच्चा है? अगर वास्तु में ही सच्चाई है तो बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं वो सच्चा है या झूठा है? बाबा ज्ञान सच्चा है। सच्चा है तो ये वास्तु झूठा है, क्योंकि वास्तु झूठा है तो इतनी वास्तु की ज्यादा कदर आज की दुनिया में हो रही है या 500 साल पहले वास्तु का इतना ज्यादा कदर थी? आज की दुनिया में जो वास्तुकार हैं, जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, वो सारी बिल्डिंगें 25-30 साल के अंदर टूटने हैं या नहीं टूटने हैं? तो वास्तु झूठा या सच्चा? बोले कि इस साइड में ये रखो, उस साइड में ये रखो, अन्य कोने में ये रखो, तुम्हें जिसमें फायदा हो सो रखो। किचन जिस साइड में रखेंगे उस समय धूप ज्यादा आए किचन में वो ज्यादा अच्छा, या इधर रखो उधर रखो उधर रखो वो ज्यादा फायदा? तो दिमाग से सोचो कि किचन किधर रखने से ज्यादा फायदा है। हाँ जी, और मुझे ये एक आता है यूथ ग्रुप जो आता है बार बार आता है, यूथ ग्रुप किसे कहेंगे? यूथ ग्रुप कहेंगे नौजवानों को जो नए नए ज्ञान में आ रहे हैं। और बाबा नौकरी में कोई कोई अपना इच्छाओं से कुछ देते हैं तो नौकरी में कोई कोई अपना इच्छाओं से कुछ देते हैं तो लेने होते हैं कि नहीं होते हैं? बाबा नौकरी में कोई नौकरी करते हैं ना? अच्छा, लौकिक दुनिया की जो नौकरी कर रहे हैं और कोई सीधा सीधा बोलो ना, कोई कुछ तुम्हें दान में थोड़े ही दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, तो लेना है कि नहीं लेना है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। है शर्म आ रही है? जवाब मिल गया, अपने आप अपना जवाब मिल गया। अरे लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। नहीं लेना है, बोलने से ही जवाब आ जाता है। तुम घुमा फिरा के बोलोगे तो गलती हो जाएगी। बाबा हाँ, कि भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं विष्णु पूरा आ जाते हैं, सही ससुर उभान हो जाता है फिर आ जाते हैं, ये सब देवता सब हम देखे टीवी में क्या कि पूजा करते हैं वरुण देवता आ जाओ वरुण देवता आ जाते हैं? सच्चाई है या ऐसा कुछ? तो ब्रह्मा बाबा को तुम आह्वान करते हो, ब्रह्मा बाबा नहीं आ जाते गुलजार दादी में? आ जाते हैं लेकिन स्थूल रूप में जैसे आ जाते हैं। हम स्थूल रूप में नहीं आते, प्रैक्टिकल में आते नहीं। अच्छा तो तुम बूढ़े हो जाओगे, मान लो खुदा न खास्ता ऐसे कर्म किए शरीर छोड़ना पड़े तो तुम नहीं आओगे? स्थूल शरीर में तुम नहीं आ पाओगे? कोई देवता नहीं हो है? जैसे ब्रह्मा की सोल देव आत्मा है वैसे कोई भी सोल देव आत्मा बनने वाली है वो भूत प्रेत भी बन सकती है या नहीं बन सकती है? बन सकती है। और बाबा वो जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि वो पार्वती की रक्षा के लिए गणेश आगे बैठता है ना, तो वो गणेश अपने बाप कंदर को भी नहीं अंदर जाने देता है, तो वो बात सच्ची है या नहीं है? गणेश कोई होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है? होता है लेकिन कोई सुन वाला गणेश तो नहीं होता है? कोई सुन वाला गणेश तो नहीं होता है? तुम्हें ये सुन काहे की निशानी? अहंकार की निशानी है। तो ये जो बौद्धि धर्म है ये देवान का अहंकार उनको है या नहीं है? तो यही गणेश है। इसकी शूटिंग इधर कैसे होती है? इसकी शूटिंग इधर कैसे होती है? ये बौद्धि धर्म वाले निकलेंगे ना, ये माता को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जगदम्बा को मानते हैं? कंदर को नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, देवान को काट देगा ना? बिल्कुल। और
सचिव पर परिचार का शूटिंग सन 2004 तक खत्म हुआ तो उसके बाद निर्माण ज्ञान में आए तो कौन सा शूटिंग होगा? प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होती है बाबा, अर्चित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। साक्षी का मतलब है आत्म की स्थिति में रहो, देहभान में नहीं आओ। आत्म की स्थिति में रहना माने साक्षी बनकर के देखना। देहभान में आके देखेंगे तो पक्षपात करेंगे, पक्षपात का कीड़ा आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। और वो जैसे गोष्ठ में बाबा मुरली में बताया कि हम बच्चों को ऐसे होना चाहिए जो हम विदेशी जन्म क्या के सर कटा सकते, सर कटा सकते लेकिन सर झुका नहीं सकते, इसका बेहद सार क्या है? माना सर माने अकल। हम अपनी अकल जो है शिव बाबा के सामने ही झुकाते हैं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरे के सामने हम अपनी अकल अर्थात बुद्धि को, सिर को झुकाने वाले नहीं है। कटा सकते हैं माना? काट दो, देह अभिमान भले चला जाए, देह अभिमान काट दो। सर में क्या है, सर तो देह का ही अंग है। काट दो तो काट दो, दूसरा शरीर मिलेगा, आत्मा वही रहेगी। बाबा हाँ, जो क्राइस्ट है ना, उनका जो धर्म ग्रंथों में ही ये कहा है कि आज से 2000 वर्ष के भारत में 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। ये सब क्राइस्ट ने कहा है या उनका धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है? धर्म ग्रंथ जो है वो किसके आधार पर बनाए गए हैं? ये जो धर्म ग्रंथ है उनका मूल आधार कोई ग्रंथ है या नहीं है? तो जो मूल आधार निकला है वो किसी के बोलने से निकला है या अपने आप कोई किताब बन करके ऊपर से आ गई? तो क्राइस्ट ने जो बोली है बातें उन्हीं बातों का बाइबल बना दिया गया। तो बाइबल में वो लिखा नहीं है तो दूसरे ग्रंथों में सही। और धर्म पिताओं को अंत में जाकर के दुर्गति क्यों हो जाती है? अंत में जाके अभी क्या सदगति है? मैंने जब नए नए आते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत, हाँ नई नई दुनिया में जो भी चीज आती है पहले सतो प्रधान होती है, बाद में हर चीज चौथी अवस्था में गुजरती है। नियम है सृष्टि का, इस सृष्टि पर हर चीज पहले सतो प्रधान बाद में तमो प्रधान बनती है। हाँ जी बाबा, हाँ जब एक ब्रह्म कुमार संध्या होना चाहता है तो वो फिर से अपना लौकिक में संबंध निभाएगा? ब्रह्म कुमार से पूछो तुम बैल हो या गैया हो, पूछा कभी? नहीं पूछा, अभी पूछ लेना। पूछो तुम बैल हो या गैया हो तो क्या जवाब देगा? अरे जवाब क्या देगा, बैल तो बैल के लिए तो मुरली ने बोला है बैल पाल कन्हैया थोड़े ही गाया हुआ है, वो तो गौपाल कन्हैया है। गौओं को शेल्टर लेने की जरूरत है, उनका स्त्री चोला इस तरह का बना हुआ है कि उनको किसी का शरण लेने की जरूरत है या बैलों को शरण लेने की जरूरत है? शरण पड़ी मैं तेरे गायन है या शरण पड़ा मैं तेरे? हाँ, क्योंकि कन्याएं माताएं श्रीमत के आधार पर अच्छी तरह चल पाती हैं। पुरुषों के लिए तो बोला है खग्गा मछली होते हैं, मुरली में बोला है जैसे एक मछली होती है खग्गा नाम की, उसे खौलते हुए तेल में डाल दो, थोड़ी देर घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रही, समझने वाला समझेगा कि ये तो जल गई भुन गई, थोड़ी देर बाद उछल के एकदम बाहर आ जाएगी। हाँ, माता ने बहुत
पिता पाठशाला के नाता को ब्रांच होती है ना, उसको कॉलेज को रखना चाहिए कि नहीं चाहिए बाबा? चार महीना, पाँच महीना लग जाएगा अभी। बाप के संबंध संपर्क के आधार पर आत्माओं से कनेक्शन होना चाहिए। जिनका बाप से कोई संपर्क संबंध नहीं, उनसे हमारा भी कोई संबंध संपर्क नहीं।